बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्टैक होता क्या है, स्टैक के अंदर ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म होते हैं और हम किस तरह से उसके अंदर डाटा की इंसर्शन या डिलीशन करते हैं, वो सब कुछ आज के हम लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट स्टैक। एंड एब्स्ट्रैक्ट स्टैक इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप विच एम्फसाइज स्पेसिफिक ऑपरेशन, यूजेज अ एक्सप्लिट लीनियर ऑर्डरिंग, इंसर्शन एंड रिमूवल आर परफॉर्म इंडिविजुअली। Inserted objects are pushed onto the stack. The top of the stack is mostly recently object pushed onto the stack, and when an object is popped from the stack, the current top is erased. So basically हमारे पास ये basic operations होते हैं जो abstract data type के अंदर, abstract stack के अंदर जो है वो हम perform कर रहे होते हैं। उसके अंदर हम देखे जाए तो हमारे पास explicit linear ordering होती है, क्योंकि हम हमारे पास स्टैक के अंदर जो सीक्वेंस होता है डाटा इंसर्शन का, दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि हमारे पास जो लास्ट के अंदर आइटम आएगा स्टैक के अंदर वो पहले हमारे पास वो ऑपरेट हो जाएगा, पहले वो जो है रिजल्ट की तरफ चला जाएगा या पहले डिलीशन की तरफ चला जाएगा। सो इंसर्शन एंड रिमूवल आर परफॉर्म इंडिविजुअली। एग्जैक्टली हम एट द सेम टाइम इंसर्शन एंड डिलीशन नहीं कर सकते, हमें सिंगली जो है वो इंसर्शन डिलीशन करनी पड़ती है। इंजर्टेड ऑब्जेक्ट आर पुश्ड ऑनटू द स्टैक। एग्जैक्टली हमें जो इंजर्ट करवाने होते हैं ऑब्जेक्ट उनको स्टैक में भेजना पड़ता है। द टॉप ऑफ द स्टैक इज मोस्टली रिसेंटली ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली हमने कहा लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो हमारे पास रिसेंटली आएगा वो हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक होगा ऑब्जेक्ट। एंड वेन ऑब्जेक्ट इज पॉप्ड फ्रॉम स्टैक द करंट टॉप इज अरेस्ट। एग्जैक्टली जो लास्ट पे ऑब्जेक्ट या एलिमेंट आया है वो पहले हमारे पास अरेज हो जाएगा जी। ये हमारे पास बेसिकली ऑपरेशन होता है। टॉप ऑफ द स्टैक से इंसर्शन शुरू होती है और हमारे पास इसी तरह जैसे जैसे स्टैक में ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट हो रहे होते हैं हमारे पास स्टैक फिल होना शुरू हो जाता है, और पॉप भी हमारे पास टॉप से ही होती है, इंसर्शन भी टॉप से और हमारे पास डिलीशन भी टॉप से होती है। स्टैक की एप्लीकेशन को देखा जाए अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से, सो सॉल्विंग वन प्रॉब्लम में लीड टू subsequent problems, these problem may result in further problems, or as problems are solved your focus shift back to the problem which lead to the solved problem. exactly hamara maqsad kyunki problem solving hai aur yahan par agar hamare paas problem increase hote jana hai to hamare paas basically fayda koi nahi. to stack ka maqsad kya hota hai ki hum problem resolving karte jaye, hamare paas jo insertion ho rahi hai hum uska sequence bana le कि हमारे पास प्रॉब्लम ने किस सीक्वेंस से जो है वो सॉर्ट आउट होना है और किस सीक्वेंस से जो है वो एग्जीक्यूट होना है। सो नोटिस दैट द फंक्शन कॉल्स बिहेव सिमिलरली। अ फंक्शन इज़ अ कलेक्शन ऑफ कोड विच सॉल्व अ प्रॉब्लम। फंक्शन होता ही हमारे पास कोड्स का कलेक्शन है जिसके अंदर हमारा मकसद क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, हम एक सीक्वेंस एक मैनर के अंदर अपने जो प्रॉब्लम है उसको जो है एग्जीक्यूशन की तरफ या किसी सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएँ। वी विल लुक एट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। द ऑप्टिमल asymptotic run time of any algorithm is theta 1. the running time of algorithm is independent of number of object being stored in the container. exactly running time hamare paas kaise calculate hota hai ki number of object hamare kis lihaz se jo hai wo store hai memory ke andar. we will always attempt to achieve this lower bound. we will look at singly linked list one ended arrays. so hamare paas top ke andar kis tarah se values insert ho rahi hoti hain, kis tarah se ऑब्जेक्ट्स को जो है इंसर्ट करवा रहे होते हैं स्टैक के अंदर। सो दिस इज़ अवर बेसिक एल्गोरिदम और कोड ऑफ स्टैक इंसर्शन, कि हम किस तरह से जो है वो इंसर्शन करा रहे होते हैं। अगर तो इफ एम्प्टी है तो हमारे पास क्या है, थ्रो अंडरफ्लो, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि स्टैक अभी फिल तो नहीं हुआ। अगर तो एम्प्टी है तो अंडरफ्लो की कंडीशन चलती रहेगी, अदरवाइज रिटर्न क्या कराए, स्टैक साइज माइनस वन, मीन्स स्टैक के अंदर अभी जो है वो स्पेस जो है वो फिल हो रही है जी। सो पॉप करवाने के लिए हमारे पास, क्योंकि हमें डिलीशन करवानी है, डिलीशन करवाने के लिए हमें उसके अंदर स्टैक के अंदर क्योंकि डिक्रीज़ करना है स्पेस जो है उसकी मेमोरी स्पेसेस को ख़त्म करना है, तो मींस हमें स्टैक के साइज़ को रिड्यूस करना होगा। तो स्टैक के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हमें चेंज क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस स्टैक साइज़ इसलिए किया कि हमें डिक्रीमेंट करना है अपने स्टैक के साइज़ में, मीन्स इंडेक्सिंग ख़त्म होते जाएंगे एंड स्टैक जो है वो डिक्रीज होता होता रिमूवल होते होते एट द एंड हम जो है अपनी पॉपिंग को एंड तक लेके जा सकेंगे। सो पुश ऑपरेशन हमेशा हमारे पास कहता क्या है, जहाँ पर हमने माइनस माइनस स्टैक किया था मीन्स डिक्रीमेंट किया था, यहाँ पर हम जो है वो अपने स्टैक के साइज़ के अंदर इंक्रीमेंट करना शुरू कर देंगे, अनटिल अनलेस कि हमारा
स्टैक जो है ओवरफ्लो की तरफ ना चला जाए। सो ये हमारे पास पुश का ऑपरेशन था। अभी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। हमारे पास एक ये एलिमेंट्स थे, कुछ ऑब्जेक्ट्स थे नंबर्स की फॉर्म में और ऑपरेशंस, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस के हवाले से। सो हम देखते हैं किस तरह से हमारे पास स्टैक के अंदर जो है वो सॉल्व होते हैं, इनको कैसे हम रिजॉल्व करते हैं। सो हमारे पास 1 2 3 प्लस 4 5 6 मल्टीप्लाई माइनस 7 मल्टीप्लाई प्लस माइनस 8 9 मल्टीप्लाई प्लस, तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस एंड अरिथमेटिक नंबर्स थे जिनको हम देखते हैं कि स्टैक के अंदर किस तरह से पुश करते हैं और किस तरह से ये सॉर्ट आउट होते हैं। सो हमने पहले 1 को इंसर्ट किया स्टैक के अंदर, देन 2 आया, क्योंकि नंबर जैसे जैसे आते जाएंगे हम स्टैक के अंदर, क्योंकि इंसर्शन करवा रहे हैं, पुशिंग करवा रहे हैं। सो 2 आया, देन 3 इंसर्ट हो गया। अब इसके फ़ौरन बाद हमारे पास प्लस का साइन था। प्लस का साइन का मतलब है 2 प्लस 3, मीन्स 2 और 3 के दरमियान हमारे पास ऑपरेटर आ गया, दैट इज़ प्लस एडिशन का, और हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, एंड 2 एंड 3 बिकम्स 5। नेक्स्ट 5 ये बन गया। नेक्स्ट हमारे पास प्लस ऑपरेशन के बाद आ रहा है 4, 4 इंसर्ट हुआ स्टैक के अंदर, देन 5 एंड देन 6, एंड आफ्टर दैट 6 के फौरन बाद हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, दैट मीन हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 6 है, दैट इज 30। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब मल्टीप्लाई के फौरन बाद हमारे पास जो था वो माइनस का साइन था, दैट मीन 4 माइनस 30, 4 माइनस 30 इज इक्वल टू -26। सो हमारे पास 20 -26 आ गया। आफ्टर दैट 7 था हमारे पास, 7 इंसर्ट हुआ, देन मल्टीप्लाई का साइन अगेन आ गया, 26 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज इक्वल टू -182, एंड आफ्टर दैट हमारे पास अगेन -182 के फौरन बाद हमारे पास प्लस का साइन था। प्लस का साइन मीन 5 प्लस माइनस 182। ओके, देन हमारे पास 182 प्लस 5 हुआ, दैट इज़ इक्वल टू -177, एंड आफ्टर दैट हमारे पास फिर से माइनस का साइन था, तो इट्स मीन 1 माइनस 177, दैट इज़ इक्वल टू 178, एंड देन अगेन स्टैक के अंदर इंसर्शन हुई 8 की, एंड देन 9 की इंसर्शन, एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई का साइन, 8 मल्टीप्लाई 9, दैट इज़ इक्वल टू 72, एंड द लास्ट इज़ योर प्लस साइन, प्लस ऑपरेटर 178 प्लस 72, दैट इज इक्वल टू 20 250। सो दिस इज़ ओवर बेसिकली इंजर्शन ऑपरेशन, दैट हाउ वी परफॉर्म इंजर्शन इन स्टैक एंड हाउ वी ऑपरेट द ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म इन द स्टैक। दिस इज़ अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ आवर रिवर्स पॉलिश नोटेशन इन विच वी परफॉर्म आवर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद न्यूमेरिक नंबर्स। सो दिस इज़ वेरी ईजी। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, नो एम्बिग्विटी एंड नो ब्रैकेट्स आर रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली इसके अंदर हमारे पास ना तो कोई मुश्किल है इसको सॉल्व करने में, ना कोई प्रॉब्लम आती है। इट इज़ सेम प्रोसेस यूज बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म कंप्यूटेशन। एग्जैक्टली जैसे हम कैलकुलेटर से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। रिवर्स पॉलिश कैन बी प्रोसेस यूजिंग स्टैक। हम रिवर्स पॉलिश जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर किया, वो हमें स्टैक के थ्रू परफॉर्म करना पड़ता है। तो स्टैक क्या है, द स्टैक इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ अ स्टैक वर्क इज ट्रिवियल, एंड द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक हाउ इज नॉट इन द इम्प्लीमेंटेशन बट रादर वेयर पॉसिबल क्रिएट अ डिज़ाइन विच अलाउ द यूज ऑफ स्टैक। वी लुक एट पार्सिंग, फंक्शनल कॉर्ड एंड रिवर्स पॉलिश। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो स्टैक हमारे पास ट्रिवियल है, हमें सोल्यूशन की तरफ लेके जाती है। ये नहीं होता कि हमें एट द एंड सोल्यूशन ना मिले। अभी लास्ट के ऊपर हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, वहाँ पर भी हमें एट द एंड कोई एक सोल्यूशन ज़रूर मिला था। इतनी बड़े ऑब्जेक्ट्स को हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की, तो एट द एंड हमारे पास कोई ना कोई एक सोल्यूशन पर्टिकुलर मिला। सो दिस इज़ अवर स्टैक, कि हमें जब इंसर्शन करते हैं, पॉपिंग करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्टेंट की तरफ लेकर जा रहा होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन directly consult with me. Thank you for watching. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.